हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के बारे में। गुरु बनना पड़ता है और टीचर खरीदे भी जा सकते हैं, गुरु को खरीदा नहीं जा सकता। तो आप अपने गुरु को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। गुरु गति होती है, ऐसा नहीं है कि बिना गुरु को बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ सकता है। लेकिन जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए आपको 100 मिनट भी लग सकते हैं। तो उसी 100 मिनट में से 90 मिनट बचाने के लिए एक जो व्यक्ति होता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु अपने बारे में जानता सब कुछ है, पर ज़रूरी नहीं कि वो आपसे कहे। उसके सामने झूठ बोलना तुरंत पकड़ लिया जाता है। तो उसी के डिस्क्रिप्शन में मैं आज आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, चार लड़कों की, जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनका जो एग्ज़ाम है, आज उनका एग्ज़ाम होना था स्कूल या कॉलेज में मान लीजिए, तो वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो एग्ज़ाम लेने आते हैं। तो उनको वो रास्ते में सोचते हैं कि काश उनको 2 दिन और मिल जाए तो वो अच्छे से अपनी तैयारी करके और फिर एग्ज़ाम दें तो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अब ऐसा उन्होंने सोचा और उसके लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि सभी लोग कीचड़ में भर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, टायर को गंदा कर लेंगे। और स्कूल में जाके उन्होंने सर से कहा कि सर, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो हम लोगों जाके कीचड़ में गिर गए और हम लोगों का उसमें 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया। आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और हर तैयारी करके आएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। तो सर उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते और कहते हैं ठीक है, तुम 2-3 दिन बाद आ जाना और 2-3 दिन बाद तुम लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब वो 3 दिन बाद पहुँचते हैं स्कूल में चारों दोस्त, तो सर जी उनका एग्ज़ाम लेने के लिए रेडी रहते हैं। सर जी उन चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बैठा देते हैं। अब वो बच्चे अलग अलग रूम में बैठते हैं तो सर ने 100 नंबर का पेपर बनाया है, जो उसमें से 2 क्वेश्चन दिए हैं मात्र। जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है आपका नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसका उन लोगों ने जवाब दे दिया, अपना अपना नाम लिख दिया चारों दोस्तों ने। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो था 99 मार्क्स का, उसमें उन्होंने पूछा था गाड़ी का टायर कौन सा फटा था, गाड़ी का कौन सा टायर फटा था। अब चारों दोस्तों ने उसमें अलग अलग जवाब दिए। तो फिर जब कॉपी सबमिट की तो गुरु ने पकड़ लिया। तो गुरु को बेवकूफ़ बनाना एक प्रकार से अपने आप से पंगा लेना है। तो गुरु को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। और कई बार लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने गुरु को पहचानूं कैसे, जो जिस व्यक्ति को मैंने अपना गुरु बनाया है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि कोई व्यक्ति के साथ बैठे हों और आप अनकंफर्टेबल हों फिर भी आप वहां पर बैठना चाहते हैं, तो दैट्स मीन आपने उस व्यक्ति को खोज लिया है, वो 100% आपके लिए ठीक है। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस कहानी को। और यदि आप इसी तरह की और कहानियाँ चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आपके स्टडी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपकी लाइफ को बदलने वाली कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।